स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। हम आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ को समझने जाएंगे। कोटा यूनिवर्सिटी के जो पेपर पैटर्न है एमए का, एमए एमएससी के जो पेपर पैटर्न है उसमें बहुत भारी बदलाव हुआ है। और भारी बदलाव यह है कि 2 साल का एमए प्रीवियस और एमए फाइनल वाला कोर्स, उसको अब 4 सेमेस्टरों में विभाजित कर दिया गया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। जो एमए प्रीवियस और एमए फाइनल के जो हम 2 साल की एमए की बात करते थे, वो 2 साल का एमए अब 4 सेमेस्टर में होगा। अब सेमेस्टर प्रणाली क्या है, कैसे होता है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेंगे। समझने की कोशिश करना, पहले आपको एमए प्रीवियस और एमए फाइनल इसको करने के लिए आपको 2 साल में 2 बार एग्ज़ाम देनी पड़ती थी, लेकिन अब आपको 2 साल में 4 बार एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हो। 4 सेमेस्टर हो गए और हर 6 माह में इसकी परीक्षा आयोजित होगी और आपको जो है 4 बार परीक्षा देनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। और ज्योग्राफी के बारे में हम विशेष बात करेंगे, अन्य सब्जेक्टों की हम बात करेंगे, अन्य सब्जेक्टों में क्या रहेगा क्राइटेरिया और कैसे रहेगा। सबसे पहले आपको एमए में एडमिशन लेने के लिए भूगोल सब्जेक्ट से कम आपको 40% नंबर लाने जरूरी होंगे, ठीक है। 40% नंबर लाने जरूरी होंगे आपके बीए में। और अगर आप एमएससी करना चाहते हैं तो आपके बीएससी में 55% नंबर होने जरूरी है, तभी आप एमए करने के लिए यहाँ पर और एमएससी करने के लिए भूगोल से यहाँ पर आप एलिजिबल हो। अन्य सब्जेक्टों का क्राइटेरिया जो है वो मिनिमम पासिंग मार्क्स है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इस वजह से मिनिमम पासिंग मार्क्स। इसमें भी अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और स्पेशल ओबीसी इस कैटेगरी से है तो आप मिनिमम पास मार्क से भी एमए कर सकते हो। मिनिमम पास मार्क्स आपको चाहिए बस, ठीक है। ये आपका योग्यता रहेगी, न्यूनतम योग्यता आपको एमए करने के लिए। एमए में आपको 4 सेमेस्टर इस बार देखने को मिलेंगे, 4 बार आपको अलग अलग पेपर्स की एग्ज़ाम देनी होगी, ठीक। अब देखते हैं हम कि क्या क्या बदलाव हुए हैं, किस तरीके से परीक्षा का पैटर्न रहेगा वो देखिए अब, ठीक है। ये बात तो आपको समझ में आई होगी, परीक्षा का पेपर पैटर्न क्या रहेगा। देखिए, परीक्षा का प्रारूप ऐसा रहेगा कि यहाँ पर आपके इंटरनल और एक्सटर्नल 2 प्रकार के आपके पेपर होंगे। जैसे परीक्षा में आपको 17 अंक दिए जाते हैं, वैसे ही इंटरनल आपके 30% क्राइटेरिया रखेगा और 70% जो वेटेज है वो रहेगा आपका एक्सटर्नल का। यानी कि 30% नंबर आपको आपके कॉलेज द्वारा दिए जाएंगे, ठीक है। आपकी जो पढ़ाई है उस पढ़ाई का कॉलेज जो है आपकी, वो कॉलेज आपका टेस्ट लेगा, उस टेस्ट के बेस पर आपको जो है 30% नंबर दिए जाएंगे हर सब्जेक्ट में, एमए के हर जो है सब्जेक्ट में। और इसी तरीके से आपको 70% नंबर का आपको जो है परीक्षा देनी होगी यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। ये विश्वविद्यालय परीक्षा लेगी इसकी, विश्वविद्यालय, ठीक है। यूनिवर्सिटी जिसको आप हम बोर्ड की एग्जाम कहते हैं, वो वाली एग्जाम आपके 70% नंबर की होगी, 30% नंबर आपको आपका कॉलेज ही देगा, यानी कि आपकी इंटरनल परीक्षा की बेसिस के आधार पर, ठीक है। ये परीक्षा आपकी कम से कम 2 चरणों में होगी, ठीक है। हर सेमेस्टर में एक बार परीक्षा होगी। इस परीक्षा के पैटर्न को भी समझेंगे हम, तो मेरे पास पूरा इसका खाका है, मैंने कोटा यूनिवर्सिटी का निकलवाया है और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी जिसमें अभी तक सेमेस्टर स्कीम लागू नहीं है वहाँ लागू होने जा रही है, ठीक है। तो मैं इसके बारे में आपको एक रूल्स इसके मैं समझा देता हूँ, क्या इसके रूल्स है। सबसे पहले तो इसमें क्रेडिट वाला सिस्टम है। क्रेडिट वाला सिस्टम क्या है इसको भी हम समझेंगे। इसमें आपको जो है 96 से लेकर के और 100 क्रेडिट मिलेंगे, और वो क्रेडिट क्या है उसको हम आगे समझेंगे। इससे पहले आप ये समझ लीजिए कि भूगोल विषय में, मुख्यतः भूगोल विषय में आपके जो है 4 तो पेपर होंगे, ठीक है, 4 सेमेस्टर होंगे जिसको हम सेमेस्टर कहेंगे, और 4 सेमेस्टर में आपके हर एक सेमेस्टर में 100 नंबर के 4 पेपर होंगे और 1 प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा, एक प्रैक्टिकल, वो प्रैक्टिकल आपके 200 नंबर का होगा। यानी कि कुल मिला के आपका एक सेमेस्टर जो है वो 600 नंबर का हो रहा है। कितने नंबर का हो रहा है, एक सेमेस्टर आपका 600 नंबर का हो रहा है। परीक्षा में आपके 4 पेपर आते हैं। दूसरे सब्जेक्टों की अगर बात करते हैं हम, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, इन सभी, हिंदी हुआ, इन सभी में आपको
पांच पेपर देने होते हैं, तो पांचों पेपर आपके 100-100 नंबर के होंगे, 500 नंबर का आपका टोटल होगा, और उसमें भी 30% वेटेज जो है कॉलेज देगा आपको, यानी कि जहाँ से आपने एडमिशन लिया है वहाँ, और 70% वेटेज आपका परीक्षा का रहेगा जो आप परीक्षा नॉर्मली देते हैं। अभी तक क्या पैटर्न है, अभी तक पैटर्न यह है कि हमको 100% नंबर जो है वो आपको, आप जो यूनिवर्सिटी की परीक्षा देते हो उसी में से आपको मिलते हैं, यानी कि 100-100 नंबर के पेपर होते हैं, उसमें से जितने नंबर आपके आते हैं उतने ही नंबर आपकी परीक्षा में आपके अंक तालिका पे दर्शाए जाते हैं, उतनी ही परसेंटेज आपकी बनती है। लेकिन अब सिस्टम क्या है कि 30% नंबर तो आपको कॉलेज द्वारा ही दिए जाएंगे, जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है या जहां से आप प्राइवेट कर रहे हो उस आधार पर, ठीक है। प्राइवेट का अभी तक कोई इसमें प्रावधान नहीं किया गया है कैसा होगा कैसा नहीं होगा। अब इसमें देखिए कि 10-10 नंबर के आपके दो असाइनमेंट होंगे, उसके आधार पर 10-10 नंबर के दो असाइनमेंट होंगे, उसके आधार पर आपको ये जो है 30% नंबर दिए जाएंगे कॉलेज में, यानी कि आपको 100 नंबर का प्रश्न होगा, पेपर होगा, उसमें से 30 नंबर आपको कॉलेज ही अलॉट कर रहा है, ठीक है। इसमें इंटरनल में आपके प्रैक्टिकल पेपर नहीं होगा बिल्कुल भी, प्रैक्टिकल के आपके 200 नंबर हैं ये एक्सटर्नल द्वारा ही दिए जाएंगे, आप मेरी एक एक बात को गौर से समझ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद और देखिए इसमें क्या रूल्स हैं, और रूल्स आपको बताता हूँ मैं कि इंटरनल में आपको जो है ये दो असाइनमेंट करने होंगे, इसके आधार पर आपका कॉलेज जो है एक तरीके से आपकी जो परीक्षा होती है कॉलेज में आयोजित की जाएगी, एक एक घंटे की परीक्षा होगी, उस परीक्षा में आपको प्रश्न पत्र का जवाब देना है, उसके आधार पर आपको ये नंबर मिलने वाले हैं, ठीक है। और इनका समय एक घंटा होगा, और एक एक घंटे के आपको ये पेपर देने होंगे, दो पेपर होंगे तो 30%, और एक पेपर होगा तो एक पेपर का आपको 15% मिलेगा, हर एक सेमेस्टर में आपको ये परीक्षा देनी पड़ेगी। अगर किसी का कोई परीक्षा मिस हो जाती है इंटरनल परीक्षा, तो आप या फिर कोई उस परीक्षा में या तो मिस कर देता है या उसमें फेल हो जाता है या उसमें नंबर कम आते हैं, तो उसका भी प्रावधान है, आप नंबर बढ़ाने के लिए अगला जो सेमेस्टर होगा आपका, जैसे मान लीजिए आपने पहले सेमेस्टर की परीक्षा जो है उसमें आपके नंबर कम आए, आपको लगता है ऐसा, तो आप जो है दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा में बैठ सकते हो, उसके लिए आपको थोड़ी सी एक प्रक्रिया करनी होगी, 250 रुपये का एक चालान कटेगा आपका, वो अपनी स्थानीय कॉलेज में ही, और संस्था प्रधान को आपको एप्लीकेशन देनी होगी, एप्लीकेशन देने के बाद उस प्रक्रिया के तहत आप वो कर सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल के लिए क्या होगा, एक्सटर्नल का, हाँ देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो आपका 70 नंबर का पेपर होगा, 70 नंबर के जो आपके पेपर होंगे सभी सब्जेक्ट में, उसमें क्या होगा, देखिए पहला सेक्शन तीन सेक्शन में बटा होगा, और आपकी जो सिलेबस है वो 5 इकाइयों में बटा होगा, 3 सेक्शन में आपका जो होगा उसमें पहले सेक्शन में आपके पहला प्रश्न आएगा वो अनिवार्य प्रश्न होगा, ठीक है। जैसा कि नॉर्मली आता है अनिवार्य प्रश्न, इसमें 10 प्रश्न होंगे छोटे छोटे, और ये 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे, ठीक है। आपका 70 नंबर का पेपर होगा जिसमें से पहले में 10 प्रश्न होंगे, 10 नंबर के होंगे, 20-20 शब्दों में आपको इसके जवाब देने हैं। दूसरे में देखिए, दूसरे में जैसा हम देखते आते हैं दूसरे सेक्शन में क्या होगा, दूसरे सेक्शन में हर एक यूनिट में से 2 प्रश्न होंगे और कुल मिलाकर के 10 प्रश्न होंगे, जैसा कि नॉर्मली होता है अभी तक कॉटेंसिटी का पैटर्न में 10 प्रश्न होंगे, और 10 प्रश्नों में से आपको 5 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, हर इकाई में से 1 प्रश्न न्यूनतम आपको सेलेक्ट करना होगा और 1 प्रश्न का आपको जवाब देना है, यानी कि ये 5 प्रश्न आप जवाब देंगे, 5 प्रश्न 5 नंबर के हैं, तो आपके ये 25 नंबर यहाँ से आपको मिल जाएंगे। यूनिट और सेक्शन थ्री आपको ये कहता है, इसमें देखिए 5 प्रश्न होंगे टोटल में, कितने प्रश्न होंगे 5, आपको जवाब देने हैं 3 प्रश्नों के, यहाँ आपको 10 में से 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, हर इकाई में से कम 1 प्रश्न लेते हुए आपको 5 प्रश्नों के उत्तर यहाँ देने हैं, यहाँ आपको 5 में से 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं, जिसमें से आपका पहला जो प्रश्न होगा उसका उत्तर आपको 500 शब्दों में देना होगा, यह है 15 नंबर का प्रश्न होगा। फिर बाकी के जो 4 प्रश्न होंगे उन 4ों में से आपको सिर्फ 2 सेलेक्ट करने हैं, और इन दोनों के जवाब आपको 400-400 शब्दों में देने हैं, यानी कि ये 10 नंबर के होंगे और ये 20 नंबर के हो जाएंगे। इस तरीके से आपका परीक्षा का पैटर्न होगा। एक बार आप दोबारा से समझिए इसको, दोबारा से ये है कि परीक्षा आपकी 70 नंबर की होगी, 30 नंबर का मामला मैंने आपको समझा दिया, 30 नंबर आपको अपना कॉलेज, स्थानीय कॉलेज जिसमें आपने एडमिशन करवाया है वहाँ से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। और वो आपकी परीक्षा के बेसिस पे होंगे, आपकी परीक्षा ली जाएगी, इंटरनल परीक्षा जो कॉलेज लेगा, एक एक घंटे के प्रश्न पत्र होंगे, उसके आधार पर आपको वो नंबर दिए जाएंगे। 30 नंबर आपके 17 अंक मिल रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। अब रहा 70 नंबर की बात, तो 70 नंबर में से आपको क्या होगा, पेपर पैटर्न ये होगा कि पहला प्रश्न अनिवार्य होगा जो 10 नंबर का होगा, अब 60 नंबर की बात रही, दूसरे प्रश्न में आपको 10 प्रश्न दिए होंगे, हर यूनिट में से एक एक 5 यूनिट होती है, हर यूनिट में से एक एक प्रश्न आपको करना है, 2-2 प्रश्न दिए होंगे, एक एक प्रश्न आपको करना है, यानी कि टोटल में 5 प्रश्न करने हैं, हर एक प्रश्न 5 नंबर का है, तो 5×5=25 नंबर ये हो गए, यानी कि कुल मिला के 35 नंबर हो गए। अब 35 नंबर और लाने हैं, 35 नंबर में सेक्शन सी में आपको देखना होगा, इसमें आपको 5 प्रश्न दिए होंगे, पहला प्रश्न करना अनिवार्य होगा, इसमें भी पहला प्रश्न आपका जो है वो 15 नंबर का होगा,
और बाकी के जो चार प्रश्न हैं उन चार में से आपको दो प्रश्न करने होंगे, वो दो प्रश्न आपके 10-10 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर के, 20 और 15 35, 35 और 25 60 और 10 70 नंबर। इस तरीके से ये आपका एक्सटर्नल जो है पेपर का पैटर्न रहेगा, ठीक है। और हाँ, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको इंटरनल में भी 40% नंबर लाने जरूरी है और एक्सटर्नल में भी आपको 40% कम से कम नंबर लाने जरूरी है। अगर इतने नंबर नहीं आ रहे हैं तो आपका वो सेमेस्टर क्लियर नहीं माना जाएगा, आपको इस सेमेस्टर की परीक्षा अगले सेमेस्टर में आपको देनी होगी। इतनी बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होगी। और इसके अलावा जो प्रैक्टिकल का मामला है, प्रैक्टिकल जो है उस प्रैक्टिकल में, ये प्रैक्टिकल आपका 200 नंबर का है। कितने नंबर का प्रैक्टिकल? 200 नंबर का है। इसमें आपको 50% नंबर लाना जरूरी है, ठीक है। ये 50% नंबर, ये प्रैक्टिकल 200 नंबर, ये आपका जो प्रैक्टिकल एग्जामिनर होगा उसी के ऊपर डिपेंड है वो आपको कितने नंबर दे करके जाता है, ठीक है। इसमें कोई आपको कॉलेज की तरफ से नंबर नहीं मिलने वाले, ये सारा एक्सटर्नल ही आपको नंबर देगा, ठीक है। ये वाला आपको समझ में आ गया, पहला ये वाला ध्यान रखना। ये वाला जो है इसमें से आपको 20-20 शब्दों में उत्तर देने हैं, 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है एक एक प्रश्न का, और इसमें आपको 500 शब्दों में उत्तर देना है, एक नंबर एक ही प्रश्न आएगा 15 नंबर का। और आपको लास्ट वाला जो है इसको आपको दो प्रश्नों का जवाब देना है 400 शब्दों में, ठीक है। हाँ, इसमें आगे ये है रूल अगला कि अगर आप जो है किसी सेमेस्टर में पास नहीं कर पाते उसको, या नंबर आपको कम लगते हैं, या आप दोबारा से उस परीक्षा को देना चाहते हैं कुछ भी, तो दोबारा परीक्षा देने का प्रावधान वही है जो पहले था। उसमें आपको जो है अगली पहले सेमेस्टर में अगर आप फेल हुए हैं या आपके नंबर कम फील कर रहे हैं आप, तो दूसरे सेमेस्टर में आप बैठ सकते हैं 250 रुपये वाले सिस्टम वाला इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो है 50% आपको मार्क्स लाने ज़रूरी है, ठीक है। सभी इसमें आपको कम से कम 40% का क्राइटेरिया आपको ध्यान रखना है। 40% आपके इंटरनल में भी आने चाहिए, 40% आपके एक्सटर्नल में भी आने चाहिए। इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब ये है कि कॉलेज जो परीक्षा लेगा उसमें भी और यूनिवर्सिटी जो परीक्षा लेगा उसमें भी, ठीक है। इसके बाद जो है दोबारा वो परीक्षा देने के लायक रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं। अगर पहला सेमेस्टर उसका क्लियर नहीं हुआ तो दूसरे सेमेस्टर के साथ पहले सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा, यानी कि उसका पेपर ड्यू माना जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाया तो पेपर ड्यू हो जाएगा, अगले सेमेस्टर में जब परीक्षा होगी उसके साथ वो पिछले सेमेस्टर की परीक्षा दे सकेगा, उसमें पास होने के बाद अगले में पास हो जाएगा। इसी तरीके से दूसरे सेमेस्टर में नहीं हुआ तो वो तीसरे में दे सकेगा, ये वाला नियम है। और इसमें आपको 2 साल की होगी, चार सेमेस्टर आपके हर 6 माह में होंगे, यानी कि 2 साल की होगी, और अधिकतम आप इसको 4 साल में पास कर सकते हैं, ठीक है। 4 साल में अधिकतम इसको पास करते हैं। 4 साल में भी आपसे एमए की ये चारों सेमेस्टर पास नहीं है तो आपका एमए नहीं माना जाएगा, ठीक है। या एमएससी आप किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, सभी सब्जेक्ट में पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। सभी सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न यही रहेगा भूगोल के साथ साथ, ठीक है। भूगोल में आपको अलग से आपको 200 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, सिर्फ इतना सा फर्क है। अगर आपके 80% से नंबर ज़्यादा आते हैं, 80% से नंबर ज़्यादा आते हैं तो आपके सब्जेक्ट में उसके आगे डी लग जाएगा, डिटेक्शन जिसको कहते हैं। इसके अलावा आपके 60% से नंबर ज़्यादा आते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन पास माना जाएगा, और 50% से ज़्यादा आपके नंबर आते हैं तो आपको सेकंड डिवीजन माना जाएगा। 50% से कम नंबर आने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि 30% नंबर आपको यहीं से मिल रहे हैं स्कूल की तरफ से, और आपको कम से कम 40% लाने होते ही है दोनों में आपको लेके आने हैं, तो इसलिए इससे नीचे का कोई प्रावधान इसमें नहीं है। अब एमए के बहुत सारे पेपर हैं इसमें, उस पेपरों को भी मैं आपको बता देता हूँ, खास करके भूगोल के। ये भूगोल के स्टूडेंटों के लिए इंपॉर्टेंट है। कोटा यूनिवर्सिटी में फिलहाल ये लागू हो चुका है इसी सत्र से, 2022-23 का जो सत्र है, यहाँ से जो प्रीवियस करने वाले हैं उनके लिए लागू हुआ है, जो अभी फाइनल कर रहे हैं उनके लिए ये लागू नहीं है। वो पुराने पैटर्न के आधार पर ही जो है फाइनल की परीक्षा देंगे प्रीवियस के स्टूडेंट, खासतौर से इसको ध्यान में रख लीजिए। तो आपका सेमेस्टर जो फर्स्ट है, सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकेंड और सेमेस्टर थर्ड और सेमेस्टर फोर्थ, इनका जो सिलेबस है मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सा पेपर है। देखिए, इसमें पहला पेपर जो है वो है ज्योग्राफिकल थॉट यानी कि भौगोलिक विचारधारा, चिंतन, ठीक है। और इसमें भी आपको जो है वो है क्लासिकल पीरियड, यानी कि प्राचीन कालीन, ठीक है, शास्त्रीय काल। इसके अलावा दूसरा है इसमें पेपर, वो है एडवांस इकोनॉमिक ज्योग्राफी यानी कि आर्थिक भूगोल, ये आपका दूसरा पेपर है। और इसके बाद एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण भूगोल है। और इसके बाद आपका जो है चौथा वो है जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृतिक विज्ञान, या इसको आप भौतिक भूगोल कह सकते हैं, उसी का पार्ट है। और पांचवा जो है आपका वो है प्रैक्टिकल, ठीक है। ये सभी आपके 100-100 नंबर के हैं,
100 नंबर के, ये भी 100 नंबर का, ये भी 100 नंबर का है, और ये आपका 200 नंबर का रहेगा। कुल आपके 600 नंबर का पहले सेमेस्टर में जो है अंक निर्धारित किए गए हैं, इतने आपके होंगे। इसमें जो है हर एक में आपको कम से कम 4 जो है क्रेडिट मिलेंगे। उस क्रेडिट का सिस्टम क्या है, वो सिस्टम कुछ भी नहीं है, आपको इन चारों में 4 4 4 4 यानी कि जो है आपको 4 चौक 16, और इसमें आपको 8 क्रेडिट मिलेंगे, ठीक है, 8 क्रेडिट इसमें मिलेंगे आपको प्रैक्टिकल में। तो एक सेमेस्टर में आपको जो है 24 क्रेडिट मिलेंगे, और इसी तरीके से आप जाते जाएंगे तो आपको 96 क्रेडिट आपको ये लेने जरूरी है, ठीक है, वो मिल जाएंगे आपको। इसमें आपको माथापच्ची करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और हर पेपर का पैटर्न जो है वो 3 घंटे का पेपर होगा आपका, ठीक है, जो एक्सटर्नल पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा, और प्रैक्टिकल का जो पेपर है उसमें 6 घंटे का प्रावधान है। और इसके अलावा और इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाली बात नहीं है कुछ भी। मिनिमम आपको मार्क्स कितने लाने हैं, ये भी आपका एक प्रश्न हो सकता है। तो आपको जो इंटरनल परीक्षा होगी, इंटरनल परीक्षा में आपको 30 में से 12 नंबर, और एक्सटर्नल परीक्षा जो होगी आपके 70 में से उसमें से 28 नंबर आपको मिनिमम पास होने के लिए चाहिए, ठीक है, यानी कि 12 और 28 मिनिमम आपको 40 नंबर तो आपके आएंगे ही आएंगे। 40 नंबर आपके 100 में से नहीं आ रहे तो आप पास नहीं हो, ध्यान रख लीजिएगा बात, किसी भी सेमेस्टर में तो 40% से ऊपर तो आपकी बनेगी ही बनेगी। अगर आपने एमए कर ली तो 40% से ऊपर आपकी बनेगी, ठीक है, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, केवल भूगोल की बात नहीं रही, मैं भूगोल के बता रहा हूँ आपको। दूसरे सेमेस्टर में भी यही पेपर रहेगा आपका, लेकिन ये क्लासिकल है तो यहाँ पर मॉडर्न हो जाएगा, ये मॉडर्न, ठीक है, यानी कि आधुनिक जो है भूगोल वेत्ताओं का योगदान हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद दूसरा है रिसोर्सेज ज्योग्राफी, संसाधन भूगोल, रिसोर्सेज ज्योग्राफी, रिसोर्सेज ज्योग्राफी है। फिर इसके बाद है क्लाइमेटोलॉजी और ओशियनोग्राफी, यही भौतिक भूगोल का पार्ट है, पहले ये एक में ही चलता था दोनों, अब इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, यानी कि जलवायु विज्ञान और समुद्री विज्ञान। फिर इसके बाद एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि पर्यावरण, एनवायरनमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और सतत विकास वाला पेपर है, ये थोड़ा सा नया जुड़ा है इसमें, हालांकि ये भी हम जो है इसी में पढ़ लेते हैं, ठीक है, इसमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट है ये, और ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल है, फिर वापस प्रैक्टिकल है दूसरे सेमेस्टर में भी। फिर तीसरे सेमेस्टर की हम बात करते हैं तो इसमें भारत का भूगोल है, इंडियन ज्योग्राफी है, एडवांस ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, फिर है अर्बन ज्योग्राफी नगरीय भूगोल है। फिर इसमें आपको तीसरे जो पेपर है उसमें आपकी 2 चॉइस है, इसमें से आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक तो एग्रीकल्चर ज्योग्राफी है और एक आपकी इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी है, इंडस्ट्रियल यानी कि कृषि भूगोल है और औद्योगिक भूगोल है। फिर आपका जो है लास्ट पेपर जो है वो है एक, इसमें भी 2 ऑप्शन है आपके पास, बायो ज्योग्राफी जैव भूगोल है और ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म, ठीक है, टूरिज्म ज्योग्राफी है, ये वाला भी आप ले सकते हैं, यानी कि पर्यटन भूगोल। फिर आपका जो लास्ट सेमेस्टर है इसमें फिर प्रैक्टिकल है, लास्ट सेमेस्टर में आपको सबसे पहली बार जोड़ा गया है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, इससे पहले किसी भी प्रकार के एमए में राजस्थान का भूगोल नहीं था। फिर इसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी है, फिर इसके बाद आपका जो है पॉपुलेशन के बाद इसमें 3 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी कोई सा भी ले सकते हैं आप, ट्रांसपोर्ट ऑफ मार्केटिंग यानी कि परिवहन भूगोल और बाजारी विज्ञान जिसको कह सकते हैं, व्यापारिक विज्ञान, वाणिज्य विज्ञान जिसको वाणिज्य भूगोल वो कह सकते हैं आप, रीजनल प्लानिंग यानी कि प्रादेशिक भूगोल, और रिमोट सेंसिंग ये इम्पोर्टेंट है, मेरा तो मानना यही है कि आपको रिमोट सेंसिंग लेना चाहिए क्योंकि इसमें UGC नेट से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, अभी वर्तमान में बहुत सारे प्रश्न रिमोट सेंसिंग से पूछे जाते हैं, तो आपको यही लेना चाहिए। एंड GIS ग्लोबल इंटेलिजेंस सिस्टम है ना। फिर इसके बाद जो लास्ट वाला पेपर है इसमें है आपका पॉलिटिकल ज्योग्राफी है और रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी यहाँ पे इजी पड़ेगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी आपको इम्पोर्टेंट है ले सकते हैं इसको भी, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति विज्ञान, रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध के जो है निविधियाँ वो वाली चीज़ें, और लास्ट में आपका प्रैक्टिकल है। तो ये आपका सेशन रहेगा, इसके बाद आपका सिलेबस भी है, इसमें सिलेबस को भी आपका छोटा किया गया है, ठीक है, सिलेबस ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका, बिल्कुल छोटा किया गया है सिलेबस। तो ये आपका सेमेस्टर की एक सूचना मुझे आपको देनी थी, इम्पोर्टेंट बिल्कुल सभी प्रकार के सिलेबस है, अगर आपको चाहिए तो सिलेबस मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं, ठीक है, बाकी कुछ इसमें नया नहीं है। कुल मिलाकर के कहा जाए तो जो आपके 100 नंबर का पेपर होता था उसमें से आपको 30 नंबर अब आपकी कॉलेज देगी, 70 नंबर को आपका पेपर देना होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा बदलाव है। 2 बार परीक्षा देनी होती थी, 4 बार परीक्षा देनी होती है, पेपर कुछ नए हैं वो आपको देख लेने होंगे, इसलिए अगर आप सीरीज़ खरीदने की जल्दी कर रहे हो, सीरीज़ लेने के लिए जा रहे हो बाज़ार में, तो आप रुक जाइए, ठहर जाइए, सीरीज़ बाज़ार में आ जाने दीजिए। किताबें आप लेने जा रहे हैं तो किताबें आप इन सब्जेक्टों के लिए आइए जो आप जिस भी सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप नए एमए करने की कोशिश कर रहे हो तो आप ये वाले लीजिए, अगर आपने
पहले से एमए करना स्टार्ट कर दिया तो आपको कोई बात नहीं, अगर आप अब एमए करने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी थी, कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके कोई इश्यू है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।